का हमारा टॉपिक है वाटर एज ए प्रीशियस रिसोर्स। इसके हम करेंगे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ऑन विच डे द वाटर डे इज़ ऑब्जर्व। कहते हैं कौन सा दिन है जो वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर ये चैप्टर पढ़ोगे आप तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा है इसमें, तो इसका आंसर क्या है 22 मार्च। विच ईयर वॉज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। कहते हैं कौन सा ऐसा साल है जिसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर ये किया जाता है, मतलब उस दिन वो मनाया गया था किस साल में। 2003। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वाटर शॉर्टेज। कहते हैं इनमें से क्या नहीं बताता है वाटर शॉर्टेज। टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यू फॉर गेटिंग, मार्चेस प्रोटेस्टर्स फॉर डिमांड, ए फैमिली गेट्स 3 बैकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। तो इसका आंसर क्या है, अ फैमिली गेट्स 3 बैकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। सीज एंड ओशंस आर फुल ऑफ वाटर ऑन अर्थ, हाउएवर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज अवेलेबल फॉर अस। दिस परसेंटेज इज रफली, कहते हैं रफली कितना है, तो वो है 0.006%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है कि इकोनॉमिकली हम वाटर को यूज़ किया जा करते हैं, तो उसका आंसर है ड्रिप इरिगेशन। ये सारे आपने टेक्सुअल जब पढ़ा था हमने, उसमें से भी आपको ये क्वेश्चंस मिले थे, मैंने साथ साथ बोला था। अब इनको अलग से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपको अपनी कॉपी पर नोट करने हैं और उनको याद रखना है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज़ वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्वड, तो उसमें ये वही है 2 मार्च। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाई द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन फॉर पर पर्सन पर डे इज़ मिनिमम। और कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है, पीने नहाने धोने के लिए एक इंसान को कितना पानी मिलेगा, तो 50 लीटर्स मिनिमम, कम से कम 50 लीटर ये सब काम करने के लिए पानी यूज़ करना होता है। एवरी ड्रॉप काउंट्स इज़ अ स्लोगन रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या था वाटर साइकिल इसमें से क्या इन्वॉल्व नहीं करता है, तो वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेब्स द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड, तो है पुकर्ड फ्लोर। अब इसके बाद है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग, हमने टेक्स्ट में था वो भी किया हुआ है, तो ये आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं, आप यही ऑब्जेक्टिव करेंगे।